लॉर्ड लोिया मरकुस का सुसमाचार सोलहवा अध्याय का सोलह वचन कहता है मरकुस का सुसमाचार सोलहवा अध्याय उसका सोलह वचन कहता है जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा परंतु जो विश्वास न करेगा वह दोषी ठहराया जाएगा जो विश्वास करता है उसका उद्धार होता है उद्धार तीन तरह के होते हैं सेल्वेशन थ्री काइंड्स में होती है थ्री स्टेजेस में होती है सलवेशन जिसका अर्थ यह है मैं बच गया सलवेशन का मतलब क्या है मैं बच गया बस उतना ही है और कुछ नहीं है उद्धार का मतलब है मेरा उद्धार हो गया मतलब मैं बच गया बच्चे जो उनका एग्जाम्पल मैं देता हूं कि कभी ऐसा हो गया क्लास में कुछ नटखटकारी हो गया और टीचर को में कौन है वो नटखटी इंसान वो छात्र कौन है छात्रा कौन है लेकिन टीचर आके सबसे कहने लगी मैं तुमको पनिशमेंट दूंगा ओके इस बीच में क्या हो गया सबके पास आ गया लेकिन आपके पास नहीं आया और आपने कहा मैं बच गया क्योंकि दंड आपको नहीं मिला क्यों आपको दंड नहीं मिला क्योंकि आपने टीचर का भरोसा जीता है आपने टीचर का भरोसा उनका मन को जीत लिया और उनका भरोसा आपके ऊपर है कि आप गलत नहीं करेंगे जब आपके ऊपर भरोसा है कि आप गलत नहीं करेंगे आप बच गए हैं आप इधर धर आज के कम आपको जब आपके ऊपर जब भरोसा हो गया आप गलत नहीं करेंगे आप बच गए बच गए मतलब एक भरोसा होना चाहिए और परमेश्वर को मनुष्य के ऊपर भरोसा होना चाहिए आप गलत नहीं करेंगे समझ में मैं क्या बता रहा हूं परमेश्वर को मनुष्य के ऊपर भरोसा होना चाहिए आप गलत नहीं करेंगे और आपका स्वभाव सही स्वभाव हो गया है इसी को उद्धार कहते हैं जिसके ऊपर परमेश्वर विश्वास करते हैं भरोसा करते हैं आप गलत नहीं करेंगे आप बच गए किससे बच गए दंड से बच गए कौन सा दंड है वो क्या है संसार में मनुष्य का सबसे बड़ा दंड मृत्यु एक जीवन काल में हर इंसान के जीवन में एक समय आता है जब परमेश्वर से मिलेगा वो धर्मी इंसान भी मिलेगा पापी इंसान भी मिलेगा बहुत बड़ा पापी भी मिलेगा बहुत बड़ा अपराधी गुनेगार भी मिलेगा एक मौका जरूर परमेश्वर से मिलने का हर शरीर में पैदा हुए इंसान को मिलेगा उसमें से कुछ लोग हैं जो परमेश्वर से बिछड़कर हमेशा के लिए अनंत मृत्यु में अधलोक में जाएंगे और कुछ लोग हैं जो परमेश्वर के साथ उनकी आनंद में अनंत जीवन में उनके राज्य में प्रवेश करेंगे और उनके साथ रहेंगे दो लोग हैं हर व्यक्ति परमेश्वर के सामने जाकर खड़ा होगा मुलाकात करेगा लेकिन उनमें से कुछ लोग हमेशा के लिए बिछड़ जाएंगे तो कुछ लोग हैं जो हमेशा के लिए परमेश्वर के संग रहेंगे कौन संग रहेंगे जो धरती के ऊपर जो कहता है मैं बच गया मैं बच गई मेरा उद्धार हो गया है वही परमेश्वर के साथ सदा के लिए जीवन में जाएगा वही परमेश्वर के पास जाएगा अभी उद्धार तीन प्रकार के होते हैं या तीन समयों में होते हैं मैं आपसे बताऊं उद्धार तीन प्रकार के होंगे या तीन समयों में होंगे वो समय ऐसा है एक उद्धार आप जन्म लेते ही बच गए आप जन्म लेते ही आप बच गए हैं आपका उद्धार हो चुका है क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो स्वर्गराज उन्हीं का है ऑलरेडी बच गए हम जन्म लेते ही जन्म लेते ही मृत्यु नहीं हमारे पास हम जन्म ले चुके हैं हम हमारे मम्मी पापा के पास है हम हमारे घर पर हमारे भाई बहनों के साथ है परिवार के साथ रिश्तेदार के साथ है हम चर्च में आते हैं जाते हैं हम बच्चे हैं हम बच चुके हैं हमारा उद्धार हो चुका है क्योंकि प्रभु ने क्या कहा छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो स्वर्गराज उन्हीं का है निखो से मुझसे क्या कहता है तुमको नए सिरे से जन्म लेना पड़ेगा तुम्हें छोटे बच्चे के समान बनना पड़ेगा किससे कहते हैं बुजुर्ग निकुदमस से कहते हैं ठीक है हम पहला स्टेज क्या देख रहे हैं बचपन का हम जन्म लिए हैं हमारा उद्धार हो चुका है मान लेते हैं कोई बच्चा अपनी मासूमियत में मर जाता है अपनी मासूमियत की उम्र में ही मर जाता है वो पाप करने से पहले मर जाता है वो कहां जाएगा सीधा स्वर्ग जाएगा क्योंकि वो मासूम है उसका उद्धार मासूमियत के कारण हो चुकी है उसका उद्धार कैसे हुआ इनोसेंट एज लॉन्ग एज यू आर इनोसेंट यू हैव सेल्वेशन जब तक आपके अंदर मासूमियत है आपके अंदर उद्धार है आप बच गए हैं अभी दूसरा स्टेज या दूसरा प्रकार वो होता है जब हम भला बुरा का ज्ञान प्राप्त करते हैं भला और बुरा का ज्ञान जब हम प्राप्त करते हैं तब हम दूसरे स्टेज पर आते हैं यह दूसरा स्टेज है और यह स्टेज टीन में होती है कब होती है यह इसकी आराम कब होती है टीन एज में आपकी शौर अवस्था से आप उस थर्टीन तेरहवीं उम्र में आ चुके हैं आपकी भावनाएं आपके विचार आपके सोच आपकी आदतें आपकी प्राथमिकताएं सब बदल जाती हैं आखिर मैं इसके पास वापस लौटाऊंगा तीसरा वो स्तर है या वो उम्र है या वो पड़ाव है जहां एक इंसान पाप में चला गया पाप करते करते आगे गया उसको एहसास नहीं हुआ यह गलत है ये पाप है ये अपराध है ये गुनाह है यह मेरे ऊपर दोष ठहर रहा है लेकिन वह चलता आ गया चलता आ गया चलता आ गया एक गुनहगार एक अपराधी एक पापी अपने मन को फिराकर वो परमेश्वर के पास आकर वो अपने मन को प्रकट करते हुए पर मसीह को उद्धार करता स्वीकार करते हुए वो निर्णय लेता है अब से मैं पाप नहीं करूँगा और मैं पानी में डूबकर बपतिस्मा लूंगा क्योंकि वचन ने क्या कहा जिसने विश्वास किया और बपतिस्मा लिया उसका उद्धार हो चुका यह किसके लिए है उस व्यक्ति के लिए जो पाप में बढ़ता 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 चला गया है और वह भी कहता है कि प्रभु मुझे बचा लो बचने का क्या रास्ता प्रभु पर, परमेश्वर के भक्त ने प्रेरित उस बपतिस्मा योहना ने क्या कहा था हे सर्प के संतान तुमको मन फिराने का सबक किसने सिखाया है मन फिरा और बपतिस्मा पाओ क्योंकि स्वर्गराज निकट आ चुका है यह उनसे कहते हैं जो पाप में अधर्म में बुराई में गलती में गंदगी में आगे 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 पहुंच गए सलीब के ऊपर तीन लोग थे कितने लोग थे सलीब के ऊपर तीन लोग थे अपने अपने सलीब के ऊपर थे एक दो तीन सलीब थे उसमें से जो बीच सलीब के पर कौन थे हमारे प्रभु मसीह थे बीच सलीब पर दाहिने और प्रभु के एक सलीब पर एक चोर एक गुनहगार था बाएं और सलीब के पर एक चोर एक गुनहगार था उसमें से एक गुनहगार ने क्या कहा प्रभु अपने राज्य के साथ आते समय मुझे स्मरण कर लेना याद कर लेना तो पर भी ने क्या कहा कि तू आज ही मेरे साथ फिर दोस्त में रहेगा अब उसने बपतिस्मा को तो नहीं लिया उस व्यक्ति ने बपतिस्मा लिया क्या नहीं लिया क्यों नहीं लिया क्योंकि वह सलीब के ऊपर था और वह मरने पर था उसको नीचे उतरने का कोई मौका नहीं था लेकिन उसने मन फिराया उसने निर्णय किया आखिरी पल में कि प्रभु इसके आगे मैं पाप नहीं करूंगा कितनी उम्र बाकी थी उसकी कुछ ही मिनट बाकी थे कुछ घंटे ही बाकी थे उससे ज्यादा उसके पास नहीं थे कुछ ही मिनट और कुछ ही घंटे उसके पास थे उससे अधिक उसके पास नहीं था लेकिन उसने कहा मैं मन फिराता हूं लेकिन दूसरा व्यक्ति क्या कहता है पहले नीचे उतरो फिर हमको नीचे उतारो पहले खुद को उतारो और बाबी बाद में मुझे उसका उद्धार हुआ क्या उसका उद्धार नहीं हुआ है ओके हम तीन तरह के उद्धार को देख रहे हैं या फिर तीन स्तरों में होने वाला उद्धार या इसको मैं कहूं तीन उम्र में होने वाला उद्धार तीन उम्र में होने वाला उद्धार ओके तो उत्पत्ति की किताब दूसरा अध्याय उत्पत्ति का किताब दूसरा अध्याय उसका सत्रवा वचन इस प्रकार से कहता है उत्पत्ति की किताब दूसरा अध्याय पर भले या बुरे का ज्ञान जो वृक्ष है ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी न खाना क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा अधिन के बगीचे में क्या हुआ था अध्ययन के बगीचे में तीन लोग थे कौन थे वो तीन लोग आदम हवा और सर्प था ओके आदम हवा और सर्प था परमेश्वर आते जाते रहते थे परमेश्वर ने क्या कहा तुम जो फल खाने वाले हो ना वो खाओ जो मैं मना कर रहा हूं तुमसे लेकिन तुम खाने पर हो जिद लगाओ खाओ खाओ क्या मिलेगा तुमको क्या मिलेगा तुमको मृत्यु तो बात की बात है ना तुरंत मृत्यु मिला क्या उनको उनको तुरंत मृत्यु नहीं मिला वे लोग जिंदा थे वे दोनों बाहर निकला है दिन के बगीचे से फिर उसके बाद उनका संतान पैदा हुआ क्या था उसका नाम बड़ा वाला बेटे का कैन था दूसरा बेटे का नाम हाबिल था उसके बाद भी संतान पैदा हुआ उसके बाद भी संतान पैदा हुआ कितने साल जिया आदम द लगभग 900 है ना जिया था तुरंत मृत्यु आई क्या क्या मिला उसको तुरंत उसको तुरंत मिला बुरा ज्ञान क्या मिला उसको बुरा ज्ञान मिला है ओके okay, मैंने कहा कि इनोसेंसी में आप जब थे जब तक इनोसेंसी में है आपके पास बुरा ज्ञान नहीं है ओके okay? इनोसेंसी में जब तक आप लोग हैं, आपके पास बुरा ज्ञान नहीं है राइट right? आप लोगों को पाप क्या होता है मालूम नहीं है कब तक जब तक आप लोग इनोसेंसी स्टेज पर हो अभी जो टीनेज है वो टीनेज में आप एक दीवार पर बैठे हुए हो एक दीवार पर और वो दीवार एक संसार इस तरफ दिखाता है और दूसरा संसार इस तरफ दिखाता है दो संसार है ओके okay? कब की बात कर रहा हूं भैया टीनेज की बात कर रहा हूं क्योंकि यहां से शुरुआत होती है तब तक बच्चे आपस में लड़ेंगे झगड़ेंगे फिर एक हो जाएंगे तब तक बच्चे जो भी बात करेंगे टॉयस के बारे में खिलौने के बारे में खाने के बारे में इसके बारे में उसके बारे, बारे में बात करेंगे लेकिन जैसे टीनेज़ आने लगती है हमारा डिस्कशन मैटर्स बदल जाता है जब हमारा डिस्कशन मैटर्स ऑफ डिस्कशन बदल जाते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम बड़े होने लगे हैं है। और जब हमें एहसास हो गया कि, कि हम बड़े होने लगे हैं तब हम उस दीवार पर हैं कुछ समय के लिए बैठा रहेंगे कुछ समय के लिए बैठा रहेंगे लेकिन उस दीवार पर थोड़े समय के बाद कोई एक संसार हमें लेकर चली जाएगी हम हमेशा के लिए उस दीवार पर नहीं बैठेंगे दो संसारों में से एक संसार हमको लेकर जाएगी एक संसार का नाम है धार्मिकता का संसार पवित्रता का संसार जो परमेश्वर का संसार है और दूसरा संसार वो है जो अधर्म का पाप का शैतान का संसार है समझ रहे बात मेरी आप लोग ओके okay. इस पड़ाव में अगर हम लापरवाही बरतेंगे सावधानी नहीं बरतेंगे सावधानी हटी दुर्घटना घटी है ना सावधानी पल भर में सावधानी हट जाती है दुर्घटना पल भर में हो जाता है और दुर्घटना का असर कभी थोड़े समय के लिए तो कभी जिंदगी भर के लिए रहेगा अभी जो सावधानी हटी आदम और हवा की दुर्घटना घटी कब तक घटी उम्र, उम्र भर के लिए उम्र भर के लिए ओके तो हम जिस पड़ाव पर आते हैं जो हमारा टीन एज का पड़ाव होता है वो पढ़ाव बहुत ही सावधानी से सोच समझकर कदम रखने वाली पड़ाव होती है अब इसी उम्र में अपने जिंदगी का लक्ष्य तय करते मैंने आपसे बताया था आप यहां पर निर्णय करते हैं आपको अकाउंटेंट बनना है चार्टेड अकाउंटेंट बनना है आपको या फिर डॉक्टर बनना है प्रोफेसर बनना है टीचर बनना है इंजीनियर बनना है पुलिस बनना है आई बनना है गवर्नर बनना है प्रधानमंत्री बनना राष्ट्रपति बनना इन पर निर्णय करते हैं क्योंकि आप यहां पर निर्णय करके उसके अनुसार अपनी पढ़ाई को लेकर चलते हो क्योंकि आपने जिंदगी का फैसला कर लिया है आप जिंदगी का फैसला अगर उस पेड़ से खाने के लिए करोगे आप उस पेड़ से खाते खाते जाओगे आपकी टीनेज खत्म हो जाएगी आपकी जवानी भी खत्म हो जाएगी आप अपने अधेड़ अवस्था में पहुंच जाएंगे आप बुढ़ापे में पहुंच जाएंगे शारीरिक रूप से स्वाभाविक रूप से मृत्यु तो हर किसी को मिलना है आपको भी मिल जाएगा लेकिन अनंत मृत्यु भी मिल जाएगी अनंत मृत्यु भी मिल जाएगी आपका मन फिराव का दिन कौन सा उम्र में है? कोई नहीं जानता आपका मन फिराव का समय कब होगा क्या वापस लौट कर आएंगे नहीं आएंगे किसी को नहीं पता आपको भी नहीं पता अगर किसी को पता वो सिर्फ परमेश्वर को पता है सिर्फ परमेश्वर को पता है किसी और को पता नहीं है तो ये जो पेड़ है इस पेड़ का नाम क्या है जिसे परमेश्वर ने मना किया था कौन सा पेड़ था वो अच्छा और बुरा का है ना पढ़ेंगे उस वचन को सब लोग पढ़िए खोलकर जनसिस्ट चैप्टर टू सेवेंटीन में क्या लिखा है उत्पत्ति की किताब दो का सत्रह में परंतु हाँ पल भरे या बुरे का ज्ञान उसका ज्ञान का जो वृक्ष है उसका फल तो कभी न खाना क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा उसी दिन अवश्य मर जाएगा अभी मृत्यु दो प्रकार की है क्या उसी दिन मर गया आदम और हवा उसी दिन मर गए वो लोग नहीं 900 साल के बाद है ना शारीरिक मृत्यु कौन सी मृत्यु मिली इनको तुरंत आत्मिक वृक्ष मिली आत्मिक मृत्यु कितने प्रकार के दो प्रकार के हैं एक शारीरिक मृत्यु दूसरा आत्मिक मृत्यु शारीरिक मृत्यु को इतना लंबा समय के बाद क्यों दिया परमेश्वर ने बताइए क्यों दिया परमेश्वर ने इतना लंबा समय के बाद शारीरिक मृत्यु क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि मनुष्य अपने मन को फिराए पश्चाताप करे वो प्रायश्चित करे और इसी कारण से परमेश्वर ने उसको और थोड़ा सा उम्र दिया है आध्यात्मिक मृत्यु कब मिली आध्यात्मिक मृत्यु आत्मिक मृत्यु तुरंत मिल गई थी शारीरिक मृत्यु कब मिली है ओके दूसरा पत्रस का पत्रिक तीसरा अध्याय नववचन पढ़ते हैं पीटर सेकंड एपिस्टल चैप्टर थ्री 9। दूसरा पत्रस का तीन का नौ पढ़ेंगे पढ़िए हम्म, प्रभु अपने प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता हम्म, जैसा कि देर हो गया है ऐसा कुछ लोग समझते हैं हाँ 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 लोग क्या सोचते हैं कि देर हो गया लेकिन परमेश्वर क्या दिखा रहा है धीरज देर करने में धीरज दिखाने में अंतर है ओके बस लो कभी सिब्लिंग्स की लड़ाई होती है मम्मी उसने यह काम किया उसको दो लगाओ मम्मी बोलती है रुक जा बेटा ठीक है बोलती है नहीं करती है वो काम ओके क्या लगता है मम्मी इतना देर क्यों कर रही है मम्मी देर नहीं कर रही है मम्मी इंतजार कर रही है धीरज दिखा रही है ताकि वह अपने आप से कबूल कर आके तो क्या हो जाएगा जब अपने आप से कबूल कर लेगा दंड खत्म हो जाएगा जब कबूल नहीं करेगा तो दंड खड़ा रहेगा देर करने में धीरज दिखाने में अंतर यह है अब परमेश्वर क्या कर रहे हैं आने में देरी कर रहे या फिर धीरज दिखा रहे धीरज दिखा रहे है। हमें दंड देने में देरी कर रहे या धीरज दिखा रहे आदम और हवा को परमेश्वर ने कहा जिस दिन तुम खाओगे निश्चय तुम अभी धीरज दिखा या फिर देर किया है धीरज को दिखाया है क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं मन फिराए बदले हम लोग परमेश्वर धीरज को दिखा रहे हैं आपके विषय मेरे विषय हम सबके विषय में परमेश्वर धीरज दिखाते हैं ओके चलिए अब आगे बढ़ते हैं उसी पेड़ के पास और नहीं चाहता कि कोई भी नष्ट हो वरन हाँ, हो वरण यह कि सबको मन फिराओ का अवसर परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई भी नष्ट हो जाए नाश हो जाए परंतु क्या चाहते हैं परमेश्वर हर कोई मन फिराए सब लोग बच जाए परमेश्वर किसी के ऊपर भी दंड को लाना नहीं चाहते हैं अब हम आन के बगीचे में वापस लौटते हैं ओके okay. अभी ये लोग क्या कोशिश कर रहे थे दोनों मिलकर किस चीज की इंतजार कर रहे थे परमेश्वर ने कहा कि तुम तो मर जाओगे मर जाओगे लेकिन वो लोग मृत्यु के साथ में क्या कमाना चाहते थे क्या कमाए उन लोगों ने बताइए क्या कमाया उन लोगों ने मैं आज वचन पूरा घुटनों पर ही बताऊंगा मैं भले कितना भी दर्द होने क्या कमाया उन लोगों ने ज्ञान कमाया कौन सा ज्ञान पहले ज्ञान नहीं था उनके पास कौन सी ज्ञान थी अच्छी ज्ञान थी उसके साथ में क्या जोड़ लिया ओके ना ध्यान दीजिए इस बात को जब टीनेज से पहले इनोसेंसी रहती है उस इनोसेंसी में उस इनोसेंसी में बुराई नहीं है मुझे कुछ मम्मी लोगों ने पप्पा लोगों ने कभी कंप्लेंट किया था ऐसा ये लोग है ना अस्टर 18 साल आ गए बीस साल आ गए अभी भी टॉम एंड जेरी कार्टून देखते हैं ये लोग बोला कंप्लेंट है मम्मी डैडी का मैंने क्या बोला मालूम है प्रभु को धन्यवाद बोलो ये लोग अभी भी कार्टून ही देख रहे हैं वरना आपके प्रोग्राम देखते हैं अगर बड़ों के प्रोग्राम देखने लगे तो डेंजर है अभी तक वो बच्चे हैं बच्चों को बच्चे ही रहने दो तो मैंने कहा जिस दिन बच्चे अपने कार्टून की दुनिया से मैं नहीं बोल रहा कार्टून की दुनिया देखते रहो लेकिन एक अंतर को बता रहा हूं जिस दिन बच्चे अपने कार्टून की दुनिया से कोई और दुनिया में प्रवेश करेंगे मम्मी पप्पा के कानों में खतरे की घंटी बजना चाहिए लिटमस टेस्ट है बच्चे लोगों को मालूम है लिटमस टेस्ट क्या होती है मालूम है किसी को लिटमस टेस्ट बताओगे क्या है वो एक पेपर होती है उस पेपर के ऊपर बोलो ना साइंस के बच्चे लिटमस टेस्ट क्या होती है एसिड और बेस की टेस्ट होती है क्या है वो टेस्ट में बताओ एसिड में अगर पेपर डिप किया तो रेड कलर जाएगा है ना ओके okay, अगर वो एसिड नहीं है नॉन एसिड चीज है वो क्या करेगा अपना कलर चेंज नहीं करेगा हमारे बच्चे कार्टून की दुनिया से बाहर निकले हैं तो सोचना पड़ेगा कि हमको खतरे की घंटी बज रही है अखे okay, मैं क्यों बता रहा हूं ये बात क्योंकि जब तक हम एक टीन अवस्था में नहीं आएंगे हमारा जो सोच विचार हमारी जो दुनिया होती है वो छुटपन की दुनिया है बचपन की दुनिया है बालपन की दुनिया है वो ओके दो स्वीट सो इनोसेंट बहुत अच्छा लगता है उनकी बातों में कोई दोष नहीं होता है उनके विचार में कोई दोष नहीं होता है ओके वो उनके सोच में कोई दोष नहीं होता लेकिन जैसे टीनेज में आते हैं ये संसार की जो नियम है ना ये संसार की जो पद्धति है ना व्यवस्था है ना वो हमें आकर्षित करने लगती है आओ मैं तुम्हें कुछ सिखाऊं आओ मैं तुम्हें कुछ सिखाऊं हम उस दुनिया में रहते हैं जहाँ पर निन्यानवे लोग सौ में से मसीहा को नहीं जानते हैं आपके स्कूल में आपके कॉलेज में आपके यूनिवर्सिटी में आपके ऑफिस में आपके कारोबार की जगह पर वे लोगों के साथ आप समय को बिताते हैं जो मसीह को नहीं जानते हैं सौ में से लगभग निन्यानवे सौ में से निन्यानवे लोग मसीह को नहीं जानते आप उनके साथ रहते हैं वे आपको सिखाते हैं आओ हम दिखाएं आपको दूसरी दुनिया आप दूसरी दुनिया में जब अपने आकर्षण को दिखाओगे दिलचस्पी को रुचि को दिखाओगे आप उस दीवार पर बैठे बैठे आपको नहीं मालूम पड़ेगा आप कब उस संसार में गिर चुके हो अभी क्या करना है उस संसार में गिरने से पहले दीवार पर बैठे समय संसार की चुनाव सही रीति से करते हुए यहां न खुद कर यहां खोदना है यहां खोदना है आप लोग पानी में जाते हो कभी स्विमिंग पूल में जाते हो किसी रिसोर्ट में जाते हो कभी कहीं जाते हो कभी बोटिंग करने के लिए जाते हो उस बोट में चढ़ते समय आपको लाइफ जैकेट दी जाती है अब उस पानी में खोदने से पहले उतरने से पहले आप स्विमिंग करने गए हो या बोटिंग करने गए हो या फिर आपको बहुत बड़ा शिप ही आपको लेकर जा रही हो आपके पास वहां पर लाइफ जैकेट्स रखे हुए अगर आपने सोचा मेरा भरोसा इस शिप के ऊपर इस बोट के ऊपर है मुझे लाइफ जैकेट नहीं चाहिए आप कि उसे वहीं पर रहने दो तो मैं नहीं पहनूंगा अगर आपको डर लगा तो आप क्या करोगे तुरंत जाकर उस लाइफ जैकेट को लेकर पहन लोगे भले आप पानी में खोदे ना खोदे भले तूफान आए ना आए ना डूबे ना डूबे लेकिन आपके ऊपर एक लाइफ जैकेट है तो आप क्या कर रहे हो अभी अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हो आप स्विमिंग करने के लिए उतर के आपको तैरना नहीं आता है आपको वहां के लोगों ने लाइफ जैकेट दे दिया आप लाइफ जैकेट पहन लिए आप डूबेंगे नहीं क्योंकि वह जैकेट आपकी रक्षा करेगी वह जैकेट क्या करेगी आपकी रक्षा करेगी पहला योहन्ना का पत्री में जाएंगे वन जॉन चैप्टर फाइव पढ़ेंगे। पहला योहन्ना का पत्री पांचवा अध्याय का वचन पढ़ते हैं जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है जिसके पास कौन है पुत्र है उसके पास क्या है जीवन है और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं क्या नहीं है ओके किसके बाद जिसके पास जीवन है उसके पास क्या है जिसके बाद जीवन उसके पास क्या है पुत्र है कौन है पुत्र कौन है पुत्र बोलिए सब लोग बोलिए कौन है पुत्र और जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है जिसके, जीवन जिसके पास जीवन उसको कौन मिल गया इसके बाद जीवन उसको कौन मिल गया इधर से उधर उधर से इधर ही बोलना है जिसके पास पुत्र है उसको क्या मिला जीवन मिला जिसको जीवन मिला उसको कौन मिला वचन को जिसके पास पुत्र है, जिसके पास जीवन बस यहीं पर रुकेंगे हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे इसी वचन को यहीं पर रुकेंगे जिसके पास पुत्र उसके पास क्या है जिसको जीवन मिला उसको कौन मिला समझ में आ रहा अभी जानना जरूरी है रिवर्स करके जिसको पुत्र मिल गया उसको क्या मिल गया जीवन मिल गया जिसे जीवन मिला उससे कौन मिला कौन मिला बहुत इंपॉर्टेंट है ये कौन मिला पुत्र मिला योना तीन का सोलह क्या कहता है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उन्होंने अपने खलौते पुत्र दे दिया जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत काल का जीवन को वो प्राप्त करेगी इसी वचन को योहन्ना लेकर जा रहे हैं जिस योहन्ना ने यहां पर सो समाचार को लिखा प्रभु के वचन को जो ही योहन्ना अपनी कलीसिया को लिख कर कहता है तुमको सब मिल गया सब मिल गया सब मिल गया लेकिन पुत्र नहीं मिला है परमेश्वर का अगर तुमको परमेश्वर का पुत्र यानी से मिल जाए तुमको क्या मिलेगा जीवन मिलेगा अब कब मिलना चाहिए पुत्र ईश्मसी कौन सी उम्र में मिलना चाहिए तीनों उम्र में उम्र में सबसे पहले उस बचपन में इन्फेंसी स्टेज में हमें मिलना चाहिए मिला हुआ उस प्रभु को हमारा अपना करना चाहिए कब टीनेज यूथ में आने से खोने के बाद नहीं थर्ड स्टेज क्या है खोने के बाद उड़ाव पुत्र को हम लोग देखते हैं प्रोडिगल सन कब लौट आया वो सेकेंड स्टेज में लौटाया थर्ड स्टेज में लौटाया थर्ड स्टेज थर्ड स्टेज में कहां तक तो पहुंच गया था वो ओके 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 ठीक है सुवर्ग का खाना कहां तक तो पहुंच गया सुवर्ग का खाना क्यों खाया वो आप बोलेंगे भूख लगी है सुवर्ग का खाना खाने पर क्यों मजबूर हुआ नहीं कुछ नहीं था ठीक है उसको भूख लगा कुछ नहीं था मान लेते हैं लेकिन क्यों खाया आप खाएंगे क्या आपके पास कुछ नहीं है आप जाके सुवर का खाना खा लेंगे घास खा लेंगे आप अगर खाएं कब खाते हैं जब नौ जब उसकी जान खत्म होने पड़ती उससे लगा अगर मैंने पेट नहीं भरा मर जाऊंगा उसने तब तक सहन किया जब तक भूख बर्दाश्त कर पाए तब तक उसने सहन किया जब तक भूख बर्दाश्त के बाहर होकर बाहर होकर कमजोर हो जाए उसकी बर्दाश्त की ताकत तो उस समय खत्म हो गई जब उसको लगा अगर मैंने अभी कुछ भी पेट में नहीं डाला कुछ भी पेट में नहीं डाला सुवर का खाना मतलब कुछ लोगों को लगता है कि गंदगी में जाके उसने मोर और सुवर किसी रईस इंसान के सुवर थे ओके सुवर किसी धनवान एक संपन्न इंसान के सुवर थे वो सुवर शैंपू से स्नान करते हैं नहीं क्या आजकल घर में बिल्लियां कुत्ते नहीं होते होते नहीं होते खुद का शैम्पू खत्म हो जाए फर्क नहीं पड़ता वो कभी रेक्सोना से लक्स से ही बाल धो लेगा लेकिन अगर उस कुत्ता का शैम्पू खत्म होने पर है तो सबसे पहले एमेजोन फ्लिपकार्ट मेरा कुत्ता का शैम्पू घर पे आ जा आपके घर पर अंडे खत्म हो गए कोई बात नहीं बेटा आज अचार खा लेना दाल खा लेना अंडा कल खा लेंगे लेकिन वही कुत्ता का खाना खत्म हो गया तो तुरंत ऑर्डर आजकल लोग स्विगी में जोमैटो में ऑर्डर करके उनको चाइनीज खिलाते बिरयानी खिलाते बर्गर पिज्जा खिलाते किनको किनको हां उस जानवर को अब यह व्यक्ति किसी के घर पर किसी के फार्म हाउस में यह फार्म हाउस है किसी के फार्म हाउस में नौकरी पर है कौन सी नौकरी है ये कौन सी नौकरी है ही इज अ पिग पर्ड कौन सा शेपर्ड है ये शीप शेपर्ड नहीं है कौन सा शेपर्ड है ये पिक शेपर्ड स्वाइन शेपर्ड कह है सकते हैं इसको ओके सुअरों का देखभाल करने वाला रखवाला चरवाहा है उसको खाना खिलाने वाला है वो अभी स्वामी आकर खाना देता उसको उसके प्लेट्स निकालकर उसको उसके सुअर का प्लेट में डालना था उसे ओके उसने क्या सोचा था बालू में वहां से थोड़ा चुरा कर खाने का मन किया खाना किसको दिया गया था स्वर के लिए इसको दिया गया था नहीं दिया गया तब उसने सोचा अगर मैं ये खाना अब मेरे पेट में नहीं डाला मेरा अंदर जो मेरे शरीर के अंदर जो अब तक अटक कर बैठा हुआ प्राण है वो अटका हुआ है कब जाऊं कब जाऊं कब जाऊं के इंतजार कर रहा था वह उसने सोचा जाते हुए प्राण को मुझे रोकना है तो मेरे पेट में कुछ डालना पड़ेगा चलो यह खाना खाता लेकिन उसने मन फिराकर क्या कहा यहां नहीं मेरे पिता के घर जाकर वहां से मैं उनके नौकरों के प्लेट में से कम से कम खाऊंगा लेकिन सुवर का प्लेट से नहीं खाऊंगा तब तो अपना मन फिराता है आखिरी पड़ाव थी वो वो क्या कर रहा था जुआ खेल रहा था वो क्या कर रहा था गलत दोस्ती कर रहा था वो क्या कर रहा था गलत गलत विचार में पाप में गिर चुका था वो मन फिरा कर रहा था तीसरा स्टेज है ये तीसरा स्टेज जो पहला स्टेज है वो स्टेज में बपतिस्मान नहीं है ध्यान दीजिए इस बात को। जो पहला पड़ाव है इनोसेंसी में हम जब रहते हैं हमें बैप्टिजम की जरूरत नहीं है इस स्टेज पर कुछ लोग बच्चों को बैप्टिज्म दे देते हैं नहीं देना चाहिए उनको को स्टेज में वे लाइफ जैकेट पहन रहे हैं क्या कर रहे सेकंड स्टेज में लाइफ जैकेट जिसके पास पुत्र है उसके पास क्या है जीवन है जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है अब वो निर्णय कर रहा है अपनी जिंदगी का निर्णय करियर का निर्णय ही नहीं अपनी आध्यात्मिक जीवन का निर्णय भी करते हुए मुझे लास्ट स्टेज में कहां जाना है मुझे कल एक मेरे बोर्ड पे मेरे घर के पास मेरा नेम प्लेट होगा नेम प्लेट पर मुझे डॉक्टर डी आर मेरे नाम के सामने लिखना है वो आज निर्णय करता है मुझे ई आर इंजीनियर लिखना है मुझे आज निर्णय करना है। मुझे पी आरफ डॉट लिखना है कब आज मुझे निर्णय करना है उसी प्रकार से मैं अनंत जीवन प्राप्त करूंगा स्वर्ग में जाऊंगा या फिर नर्क में जाऊंगा आज मैं निर्णय को कर रहा हूं बपतिस्मा उन समय उस समय तक नहीं देना चाहिए या फिर उस उम्र तक नहीं देना चाहिए जिस उम्र तक कर? इस बात का एहसास नहीं हो जाता जिस दिन एहसास हो गया उस दिन बत्तीसवा उनको दे देना चाहिए जिसने विश्वास किया और बपतिस्मा प्राप्त किया उसको क्या मिल गया उद्धार मिल चुका है उसको उद्धार मिल चुका है हम कुलुस सिंह की पत्री में जाएंगे पहला अध्याय में जाएंगे कुलुस सिंह की पत्री पहला अध्याय में जाएंगे बारह वचन से चौदह वचन तक पढ़ेंगे कुलित सिंह के पत्री पहला अध्याय का बारह से चौदह वचन तक और पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मीरास में सहभागी हो किस योग्य बनाया हम लोगों को पवित्र लोगों के साथ में हमारा मीराश हो उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया किसने उस पिता परमेश्वर ने किसके राज्य में प्रवेश कराया पुत्र ईश्वर के राज्य में जिसमें जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है जानते हुए अनजानते हुए अनजाने में करते हुए पाप हो उन सबों की क्षमा प्राप्ति हमें पुत्रिष् मसी में मिलती है पुत्रिष्य मौसी में क्योंकि उन्होंने अपना लहू हमारे लिए बहाया है हम क्या प्राप्त करेंगे आज हमें अगर जीवन प्राप्त करना है तो सबसे पहले किसको प्राप्त करना पड़ेगा पुत्र को प्राप्त करना पड़ेगा यह पुत्र को आप उस समय प्राप्त करो जिस दिन आपको एहसास होगा कि आपको इसके आगे के संसार में इसके आगे के जीवन में प्रभु के राज्य में ही रहना है शैतान के राज्य में कभी प्रवेश नहीं करना है अपने आप का बचाव करना उद्धार होता है सल्वेशन कल आपको कहना चाहिए पवित्र लोगों के साथ में अगर आपको स्वर्ग में जाना है आपको कहना चाहिए मैं बच गया मेरा उद्धार हो गया है मैं बच गया हूं अब मुझे शैतान अपने राज्य में लेकर नहीं जा सकता जब आप प्रभु को पकड़े रखोगे आप कभी भी प्रभु से दूर नहीं जाएंगे आपको जाकर लौट कर आना है आप जाइए संसार में अपने जीवन को बिताइए संसार की लालसाओं में डूब जाइए अभिलाषा में डूब जाइए एक पांच दस साल पाप कर लीजिए अगर आपको जाकर वापस आना है तो क्या करना पांच दस साल बीस साल पच्चीस साल करो पाप करो पाप करो पाप करो छोटे मोटे कर लो बड़े करो कोई बात नहीं लेकिन क्या मन फिराव का दिन आपके लिए ठहरा है यह सोचना जरूरी है क्या आपको कॉन्फिडेंस है आप पाप करते ही जाओगे आप नाश नहीं होंगे एक पचास साल के बाद आप रिटर्न हो गए अगर ऐसा कॉन्फिडेंस आपके पास है गो अहेड अगर ऐसा नहीं है हमें क्या करना है पाप में गिरने से पहले ही अपने आप को बच्चा प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर धन्यवाद करते स्तुति प्रशंसा महिमा करते हैं उद्धार के इन वचनों को अपने भक्तगणों के पास आपने पहुंचाया संतानों के पर अपनी कृपा दृष्टि रखिए जो भी परमेश्वर स्थिति में हो गए अगर प्रभु पाप करते हुए दूर चले गए उन्हें वापस लेकर आइए उनका मन फिराव का प्रभु जी एहसास कराइए उनको उद्धार के राम में प्रभु जी चलाकर स्वर का वारिस बनाइए अगर कोई पाप ना करते हुए अभी तक प्रभु उस दीवार के ऊपर बैठे हो तो प्रभु पुत्र को प्राप्त करता हुआ जीवन में प्रवेश करने के सौभाग्य उन्हें देने के लिए दुआ करते हैं अपने सारी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दिया धन्यवाद करते हुए हमारे उद्धार करता प्रभु श्री मौसी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं सुनर कबुल कर पिता अ मैन अ प्रभु सबको आशीष दे गॉड ब्लेस यू आल